तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन। हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं टेन आई कैप प्लस जे कैप। टू डायमेंशनल फील्ड प्रजेंट है स्पेस में, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान देना, एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है, ठीक है ना, ये कौन होता है भाई, ये कोई भी हो सकता है, मैं तुम कोई भी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है। टू स्लोली शिफ्ट ए पार्टिकल अ मास 2 kg फ्रॉम द कोऑर्डिनेट। ये 2 kg का पार्टिकल है, ये कोऑर्डिनेट 2 kg का पार्टिकल है, पहले यहाँ पर था, तो स्लोली शिफ्ट होगा टू द पॉइंट, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, इस पे शिफ्ट हो रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना है फील्ड का। अब देखना, जो फील्ड है वो 2 डायमेंशनल है। जो फील्ड है वो टेन आई का एक्स में है और जो फील्ड है वो टेन जे का वाई में है। तो जो है ई वाई फील्ड है और दो ई एक्स फील्ड है, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल फील्ड है। तो ये जो है एक्स एक्सिस में जो फील्ड की वैल्यू है वो टेन है और वाई एक्सिस में जो फील्ड की वैल्यू है वो भी कोइंसिडेंट टेन है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझे वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है, स्लोली शिफ्ट, मतलब स्लोली शिफ्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किएगा करेगा, और मेरी बात अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो फाइनली जब ए पॉइंट पे आएगा, हर पॉइंट पर इनिश वेलोसिटी क्या है, बोलो, 0 है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के वेलोसिटी है क्योंकि स्लोली मूव करा बड़े आराम से, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है। तो कुल मिला के तुम देखोगे तो हर पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 है भाई। तो हर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है, तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और जितने भी फोर्स इस पे काम करें, एक्सटर्नल एजेंट प्लस, हाँ, अगर मूव करा रहे हो तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो एग्जिस्ट करे। अब ये 0 है, 0 है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट माइनस टाइम्स वर्क डन बाई द ग्रेविटी आना चाहिए। तो ये आपको एक यूनिक सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा आपको, जो कहीं से कॉपी नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही वर्क करेगा जितना ग्रेविटी वर्क करेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले ये देखो, अगर ये पॉइंट मास है 2 kg का और इधर फील्ड एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अभी तुम 11th में होगे, तुम इसको भूल जाओ, कभी भी कंजर्वेटिव, हाँ, फोर्स निकालना है तो सिंपली तुम क्या करो, मास और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे, तो जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशन का वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा भाई, निगेटिव आएगा। ये लॉजिक समझ में आया सबको, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल इधर अपने आप चला जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में, अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि फील्ड इधर है भाई। और इसके अपोजिट अगर ग्रेविटेशनल, हाँ, ये स्लोली स्लोली हर पॉइंट पर इसका वर्क डन 0 है, इस पॉइंट पर वर्क डन 0 है, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से एक्स डिस्टेंस आने में जितना ग्रेविटी ने वर्क डन किया होगा, कुछ प्लस किया होगा, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव किया होगा, तभी तो वर्क डन 0 है। तो देखो, मैंने यार बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब चलो वर्क डन निकाल ही लेते हैं भाई। ग्रेविटी का यहाँ से यहाँ ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम देखोगे तो कितना है भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जब
ऐसे पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम अलग अलग पॉइंट O2 A से वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर देखो कि ग्रेविटी का वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी का फोर्स Fx cos थीटा, ठीक है, तो फोर्स Fx cos 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और ग्रेविटी का फोर्स भी इधर है भाई। तो फोर्स अब यहाँ से, तो फोर्स की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो इस फोर्स की जो वैल्यू होती है मास मल्टीप्लाइड बाई फील्ड की वैल्यू के इक्वल होता है। तो मास मल्टीप्लाइड बाई फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, तो मास कितना बाई 2 kg, फील्ड है 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, तो कुल मिला के ये 100 जूल वर्क डन आ गया फ्रॉम O2 A। तो O से A तक जाने में आपको मिला प्यारे बच्चों 100 जूल का वर्क डन, ये बात समझ में आया। सिमिलरली पुरानी कहानी O से A तक ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो O से A तक, अब यहाँ से O से A तक ये किसका वर्क डन है भाई, तो दिस इज द वर्क डन बाई वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन ग्रेविटी का इतना होगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट O से A तक जो वर्क डन करेगा वो -100 जूल वर्क करेगा, तभी तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 0 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं O से A के बीच, ठीक है, तो अगर तुम बात करोगे यहाँ से O A से O के बात करें वर्टिकली जाओगे, तो ये जो पॉइंट है वर्टिकल, Y कोऑर्डिनेट कितना है देखो, तो Y कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है भाई, तो ये कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 4 मीटर। तो ये जो 4 मीटर का कोऑर्डिनेट है, अब मैं मास को मैं ऊपर ले जाऊंगा, 2 kg को ऊपर ले जाऊंगा, तो देखता हूँ कितना वर्क डन होता है। तो ये जो 2 kg का पार्टिकल है वो ऊपर ऊपर जाएगा, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ग्रेविटी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो भी ऊपर ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू प्लस जे कैप है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम ओ से फ्रॉम ए टू फाइनल पॉइंट बी था ना, तो ए टू बी, ये बी था ना, देख एक बार देख लो, तो ये बी था, चलो ठीक है बी था, कोई दिक्कत वाली बात परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ए से बी तक तुम अगर देखोगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर देखोगे तो ग्रेविटी वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेविटी का फोर्स इज इक्वल टू Fx cos 0 क्योंकि दोनों एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर है ग्रेविटी का, तो ये आ जाएगा एम ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मास कितना भाई 2 kg, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, तो ये आ जाएगा भाई 80। तो 80 जूल जो है वो वर्क डन किया होगा ग्रेविटी ए से लेके कहाँ तक, बी तक। तो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने बच्चों इतना वर्क किया होगा। तो चलो, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए से बी तक देखोगे तो आ जाएगा -80 जूल। तो अगर ये -80 जूल आया तो फ्रॉम ओ टू बी जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए और ओ टू बी एक्सटर्नल एजेंट का 100 प्लस 80 जूल, 100 प्लस 80 कितना होता है 180 जूल, ए प्लस ए क्या है ग्रेविटी का वर्क डन है भाई, ठीक है समझ में आ रहा है। और ओ से ए तक, ए से बी तक जो वर्क डन है वो -100 - 80 = -180 जूल आया, और टोटल जोड़ दोगे तो भाई 0 आना चाहिए ना भाई, तो टोटल वर्क डन जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो -180 + 180 मिला के टोटल 0 वर्क आ रहा है भाई। अब थोड़ा सा दुबुद्धि लगाओ कि मैथमेटिकली तो हम लोग समझ गए भाई,
फिजिकली इसको एनालिसिस करो तो ये वाला जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर काम कर रहा है, तो अब इसको एक्सटर्नल एजेंट इसको इधर ले जाएगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल अपने आप इसके अपोजिट मूव नहीं करेगा, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस डायरेक्शन में जिधर फील्ड है अपने आप मूव करेगा, तो फील्ड पॉजिटिव वर्क करेगा और एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव वर्क करेगा, कुल मिला के टोटल वर्क जीरो होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया, और दिस इज़ द यूनिक सोल्यूशन फॉर यू। तो ये सोल्यूशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।